ये टायर देख सकते भाई कितना मोटा है, ये डला लें अपने पल्सर में क्या? चल जी कर दोगे फिटिंग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। गाइज आज हमारे साथ हो चुका है कांड भाई। कांड क्या हुआ है बताता हूँ मैं आप सभी लोगों को। हमारे साथ हो गई एक प्रॉब्लम भाई। तो प्रॉब्लम क्या होगी चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। हेलमेट देख कर तो समझ ही गए होंगे आपकी, मैं अभी बाहर जाने वाला हूँ बाइक से, तो बताता हूँ आपको प्रॉब्लम। प्रॉब्लम भाई अपनी पल्सर में ही हुई है थोड़ी बहुत, तो दिखाता हूँ चलिए। तो भाई ये है अपनी पल्सर, और भाई इस पल्सर के साथ हो चुका है बहुत ही गंदा वाला कांड सीन भाई। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि बाइक का जो रियर टायर है भाई वो हो चुका है एकदम बस्ट भाई, रियर टायर फट चुका है। और ये कैसे फटा इसकी कहानी मैं बताता हूँ आप लोगों को अभी थोड़ी देर में। पहले आप चेकआउट करें यार, पूरा टायर का टायर पूरा नया टायर है आप देख सकते हैं ये, लेकिन टायर फट चुका है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं साइड साइड से देखिए सारा टायर जो है देखिए फट चुका है देखिए, और पूरा का पूरा टायर देखिए साइड से एकदम भाई साइड से इसकी पूरी वॉल चटक गई है एकदम। तो अभी इस टायर को हम चेंज कराने ले जाएंगे। तो दोस्तों पल्सर की इतनी ये हालत देखकर भाई मैं तो हो चुका हूँ एकदम सैड, मेरा एकदम दिमाग बिल्कुल ख़राब ही हो चुका है। और अभी चल के ठीक कराते हैं इसको, नया टायर डलाते हैं। लेकिन भाई समस्या ये है कि इसको ले कैसे जाएं शॉप पर भाई, शॉप अपने घर से करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर है, और इसको कैसे लेके जाऊँ समझ नहीं आ रहा है मुझे। अभी मेरे दिमाग में आया हुआ एक आइडिया कि बाइक को अपन एक काम करते हैं, डाल देते हैं शॉप पर, यहाँ से बाइक चलाते हुए बैठकर लेके जाएंगे शॉप पर, और फिर अपने एक फ्रेंड सतीश को बुला लूँगा मैं, उसके साथ जाऊँगा शॉप पर, और शॉप से फिर टायर लेंगे हम, और फिर जाएंगे वापस से पंचर वाले भैया के पास जो टायर हमारा डालेंगे, तो उनसे फिर टायर डलवाएंगे। तो मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में, और बने रहिए आप ब्लॉग में। तो भाई मैं निकल चुका हूँ अपने घर से टायर चेंज कराने के लिए, और रास्ते में मेरा प्लान जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। मैं डायरेक्ट जाऊँगा टायर वाली शॉप पर और वहीं से टायर चेंज करा लूँगा, क्योंकि भाई लोग फ्लैट टायर पे भी 20-30 की स्पीड हमारी बाइक आराम से चल रही है। और सतीश को भी मैंने कॉल कर दिया, सतीश भी मेरे पास आ गया है, अगर रास्ते में कहीं बाइक ब्रेक डाउन होती है तो ये है मेरे हेल्प के लिए। यू कैन सी द रियर टायर ऑफ द पल्सर, आप देख सकते हैं टायर पूरा का पूरा फ्लैट हो चुका है यहाँ पर, फिर भी बाइक देखिए बढ़िया से चल रही है यहाँ पर। तो आ चुके हैं हम भाई MRF के शोरूम पर। यहाँ पर सतीश को मैंने पहले यहाँ भेज दिया था, तो उसने कंफर्म कर लिया कि टायर यहाँ पर मिल रहा है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं इनके गोडाउन पर ऊपर, जहाँ बहुत सारे टायर रखे हैं। भैया हमें वहाँ पर टायर दिखाएंगे बोल रहे थे हमें ऐसा। A few moments later. ये रहे भाई टायर वाले भैया जो कि हमें टायर दिखाने वाले हैं। और देखिए भाई इनकी शॉप पर कितने सारे टायर रखे हैं भाई यहाँ पर। भाई हमें डलाना है पल्सर का पीछे वाला टायर जो कि है 817 और 100 सेक्शन का टायर है ये हमारा। तो भाई ये वाला टायर है MRF का स्वैपर जो कि हम डलाने वाले हैं अपनी पल्सर में। और मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एक इससे थोड़ा मोटा टायर है वो भी देख लूँ, पीछे से लुक आता है भाई बाइक में। तो भाई अभी हमारी बाइक में जो है यही टायर सेम टू सेम डला हुआ था MRF का स्वैपर ही। भाई एक टायर ये वाला टायर भी देखा हुआ है पल्सर के लिए, लेकिन ये काफ़ी भाई मोटा हो जाएगा, 180 वगैरह में डल सकता है। भाई ये टायर है 120 सेक्शन का, 817 ही है ये भी। अगर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखें तो भाई कितना ह्यूज टायर लग रहा है, कितना मोटा टायर लग रहा है ये वाला, लेकिन ये भाई हमारी बाइक की स्विंग आर्म है उसमें फंस जाएगा ये टायर। तो मैंने MRF का ये स्वैपर ही कंफर्म कर दिया, यही अब हम डलाने वाले हैं इसमें भाई। बढ़िया लग रहा है इसे देखने में ये। तो भाई टायर हमने यहाँ से खरीद लिया है, इसका भाई बिल और कॉस्ट वॉस्ट हम आपको एकदम लास्ट में बताएंगे कि क्या पड़ी हमें ये कॉस्ट। अभी भाई ये यहाँ तो डाल नहीं रहे हैं, लेकिन वहाँ सामने एक शॉप है भाई, उनसे इन शॉप वालों ने कह दिया मतलब कि, तो वो हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट टायर जो है वो डाल देंगे, इंस्टॉल कर देंगे। अंकल जी कर दोगे फिटिंग? तो भाई अभी हम आ गए हैं अंकल की शॉप पर और ये करने वाले हैं टायर की फिटिंग। तो सबसे पहले हमारी बाइक को लगा लेंगे। बाकी फिर ये देखिए स्विंग आर्म वगैरह पे और बाकी की चीज़ों पर ये सोप वाला वाटर डाल लेंगे, ताकि जैसे डर्ट और मिट्टी जो भी है जितनी भी सारी की सारी इससे निकल जाए, और बाकी फिर पाने और रिंच की मदद से ये टायर को खोल लेंगे। वो बाइक नहीं थी हमारी न्यूट्रल, तो पहले मैं बाइक को न्यूट्रल कर दूँ ज़रा पर, फिर उससे उन्हें आसानी होगी टायर खोलने में, थोड़ा घूमने लगेगा ना टायर वगैरह, ये पहिया घूमने लगेगा इससे। अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर टायर डलाने के लिए, और भैया देखिए पीछे डाल रहे हैं टायर हमारा, ये खोल रहे हैं बाइक को, टायर डालते हैं, और ये देखिए कैसे खड़ा है यहाँ पे ये। अरे इसके रिएक्शन हमारी वीडियो में एक से होते हैं, यही रिएक्शन देख रहे हैं हम लोग, देखिए कैसे यही रिएक्शन दे रहे हैं। आज तो भाई बहुत धूप तगड़ी हो रखी है, तो भाई ऐसी धूप में भी आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूँ। तो भाई वीडियो करके लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें।
तो भाई पुराना टायर हमारा निकल चुका है और नए वाले टायर की इंस्टॉलेशन जो है चालू हो चुकी है। और ये फिर से भैया सोप लगा रहे हैं, पता नहीं सोप क्यों लगा रहे हैं भाई, और फिट कर रहे हैं अभी ये टायर को। टायर की फिटिंग हो चुकी है, अभी भैया हवा डालकर चेक कर रहे हैं टायर को, टायर ढंग से फिट हुआ है कि नहीं हुआ है, हवा लीक तो नहीं कर रही है। ये देखिए अंकल का मीटर है भाई, इनने कवर दे क्या गजब का कवर बना के रखा हुआ है इसका। तो अंकल अब बाइक में टायर को कर रहे हैं फिट अच्छे से। तो भाई टायर हो चुका है हमारे यहाँ पर फिट, और देखिए भाई पीछे से क्या बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा ब्रॉड भी लग रहा है ये टायर। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं अपनी पल्सर में टायर डलाकर, और टायर मैंने डलाया हुआ है MRF का जैपर 100 सेक्शन का जो टायर है, और रियर टायर है हमारा। तो मैं बता दूं अगर आपको कि मेरे टायर की कॉस्ट कितनी पड़ी है, तो भाई मेरे टायर की कॉस्ट पड़ी है 1900 रुपये पड़ी हुई है, और जो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। भैया 1915 का टायर बोल रहे थे, तो 50 रुपये का यार उन्होंने मुझे डिस्काउंट दिया हुआ है, और बोल रहे थे कि इंस्टॉलेशन भी उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट करा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो कीजिए लाइक, और कमेंट करके बताइए कि क्या आपको अच्छा लगा, और भाई जो भी इस चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।